बारिश की वजह से छुटे विद्यार्थियों की काउंसलिंग कराने तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासियों में मेस के लिए शुल्क को घटाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से अतिशीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री सौरभ गौड़ ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण दास ने कहा कि मेस के लिए एक वर्ष के लिए जो शुल्क लगाया गया है वह अधिक नहीं है, फिर भी उस पर विचार किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता सौरभ गौड़ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण ने कहा, भारत माता के कुमार गौड़ महानगर मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दो ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर बैठी हुई है और इसके बैठने से पूर्व ये पूरी टीम अंदर बैठी हुई थी, लेकिन ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई ऐसा व्यक्ति जो इस सभी मुद्दों को जाने और इसका निवारण करे कोई नहीं आया सुनने के लिए। प्रैक्टर साहब को सूचना है, प्रैक्टर साहब भी सूचना इस जानने के बाद इस पूरी मामले को सुनने के बाद वो यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता न चाहते हुए भी विश्वविद्यालय का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। समस्या नंबर एक जो आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि बरसात में विद्यार्थी 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर से 9 बजे किसी भी तरह बहुत मुश्किल से, सभी लोग के पास चार पहिया वाहन नहीं है, सभी लोग के पास दुपहिया वाहन नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। उसके बाद जो हमारे शिक्षक हैं जो एडमिशन करवा रहे हैं वो आते हैं 10:30 बजे 11 बजे आते, विद्यार्थी जो है किसी तरह सुबह 3 बजे उठ के व्यवस्था कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं, वो विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। और बरसात की वजह से जो विद्यार्थी केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए अलग जो है कि दिन का व्यवस्था करें और उनके काउंसलिंग के लिए अलग व्यवस्था करें, क्योंकि बरसात की वजह से मौसम की वजह से जो है विद्यार्थी अगर वाहन पाने में असमर्थ हो रहे हैं वो काउंसलिंग करवाने नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए दिन का निर्धारण करें और काउंसलिंग कराने की पुनः व्यवस्था कराई जाए। दूसरा मुद्दा यह है कि मेस के नाम पे जो विश्वविद्यालय प्रशासन धन उगाही करने का विचार बना रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसा होने नहीं देंगे। हर महीने में कोई ना कोई ऐसा नियम बना जाता है, कोई ना कोई ऐसा मामला क्रिएट किया जाता है जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन धन उगाही कर पाए। इस समय विश्वविद्यालय प्रशासन मेस के नाम पे 36,000 रुपया सालाना जो है मेस 36,000 रुपया सालाना विद्यार्थी से लेके मेस चलाने का प्लान बना रही है। एक जो साधारण परिवार का व्यक्ति जो है कि उसके गार्जियन बहुत मुश्किल से सालाना 36 से 40,000 रुपया कमाते हैं, वो भी नहीं कमा पाते होंगे, वो गार्जियन अपने बेटे को कैसे 36,000 रुपया मेस के नाम पे दे पाएगा? क्या ये विद्यार्थियों के लिए संभव है? क्या यहाँ पे विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि 36,000 रुपया पे अगर वो लोग मेस चलाना चाहते हैं तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उस शुल्क को घटा के 16,000 किया जाए और 16,000 करने के बाद भी 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में मेस का जो है शुल्क विद्यार्थियों से लिया जाए। नहीं, इस आक्रोश का कोई बहुत मतलब नहीं है। जब छात्रावास शब्द आता है तो छात्रावास बिना मेस के नहीं हो सकता, क्योंकि छात्रावास और मेस दोनों सुचारू रूप से चलते हैं, तभी शिक्षक उसमें रहने वाले छात्र जो हैं वो पठन पाठन का कार्य कर पाते हैं। तो समय को देखते हुए बहुत ही सब्सिडाइज, बहुत कम फीस रखा गया है, पूरे वर्ष का है, तो उसमें अब कुछ थोड़ा मोड़ा विरोध कर रहे हैं, ये उनका अपना सोचना है कि विरोध करें और वो करें, वो एक नकारात्मक पहल है। सार्थक पहल तो यही है कि वो खुद कहें कि साहब हम मेस की व्यवस्था बनवाएंगे, एक सुचारू रूप से चलवाएंगे और अपने जितने भी उसमें छात्र हमारे रह रहे हैं, जो उनके मेंबर जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो एक अच्छे माहौल में साफ़ सुथरा खाना मिले और बचे हुए समय में वो अपने को पठन पाठन में लगाएं और आगे बढ़ें। तो बहुत कोई ऐसा नहीं है, वो जो थोड़ा मोड़ा इधर विरोध है वो अपने आप
बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।